नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आपको बता दें कि बहराइच में इधर कुछ दिनों से मोटरसाइकिल की चोरी की घटना काफी बढ़ गई थी, जिस पर चोरों ने पुलिस प्रशासन को एक बड़ी चुनौती दे रखी थी, जिस पर बहराइच के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत वर्मा के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिस पर मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर खुलासा करने के लिए आदेश जारी किया, जिस पर थाना रामगांव के थाना अध्यक्ष अमितेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीमों ने चोरों को धर दबोचा। अब तक की पुलिस प्रशासन ने 31 मोटरसाइकिल चोरों की बरामदगी कर लिया है। आपको बता दें कि दो दिन पहले 15 मोटरसाइकिल बरामद कर अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है। मोटरसाइकिल की चोरी ज़्यादा संख्या में हुई थी, इस पर पुलिस प्रशासन संतुष्ट नहीं था और बाकी चोरों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। आखिर उनको चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करने की कामयाबी मिल ही गई। गिरफ्तार अभियुक्त रफी पुत्र कलाम अहमद निवासी भकला गोपालपुर थाना रामगांव, अनिल मिश्रा पुत्र मिठूलाल मिश्रा निवासी बदलूपुरवा खसाहा मोहम्मदपुर थाना रामगांव शामिल हैं। न्यूज 9 भारत के लिए संवाददाता उमा शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। और उसमें तीन अभियुक्त वांटेड थे, उसमें से एक अभियुक्त आज पकड़ा गया है, थाना रामगांव पुलिस द्वारा उसको पकड़ा गया है और 16 मोटरसाइकिलें इसमें से बरामद हुई हैं, जिसमें से 6-7 मोटरसाइकिलें हमारी कनेक्टेड भी हुई हैं चोरी से। CCTV फुटेज भी अवेलेबल है, जिसमें से अभियुक्त जो पकड़े गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार थाना रामगांव पुलिस ने एक अच्छी सफलता अर्जित की है, जिसमें 16 बाइक के साथ दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें रफीक पुत्र कलाम है जो कि रामगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और साथ ही साथ अनिल मिश्रा पुत्र मिठूलाल मिश्रा ये भी रामगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, शेष दो अभियुक्त अभी हमारे वांछित है, जो कि कोतवाली देहात के भी मुकदमे वांछित है और राम राव के मुकदमे में भी वांछित है। अतिशीघ्र इनकी गिरफ्तारी करके अन्य मोटरसाइकिलों को बरामद की जाएगी। एडिशनल साहब, लगातार बहराइच में बरामदगी हो रही है, ताबड़तोड़ बरामदगी, क्या संदेश दे रही है इसके पीछे कि बहराइच जो है बाइक चोरों का यहाँ विरोध सक्रिय लगातार रहा है और अब बरामदगी इस बात की गवाही है कि खुलासे हो रही है। ये बाइक चोरी की घटनाएँ यहाँ पर हो रही थी और जिसके मद्देनज़र चैलेंज को स्वीकार करते हुए बहराइच पुलिस ने इसको चैलेंज के रूप में लिया और चोरों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में उसको कामयाबी मिली है। इस तरह से 5-6 चोरों का एक नेटवर्क है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने करीब 30-32 मोटरसाइकिलें बरामद किया है और शेष अन्य दो अभियुक्त भी वांछित हैं के भी कब्जे से। मुझे पूरी संभावना है कि भारी मात्रा में मोटरसाइकिलें मिलने की उम्मीद है। इस तरह से ये पूरा नेटवर्क बहराइच पुलिस ने ध्वस्त किया है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराते हुए इनकी संपत्तियों का भी जब्तीकरण करवाया जाए। अभी नेपाल का लिंक नहीं है, अभी इसमें इस तरह का नेटवर्क नहीं है, यहीं पे बहराइच में ही बाइक चोरी करके और बहराइच में ही उनके पार्ट्स को काट करके अन्य मोटरसाइकिलों में प्रयोग करके इस तरह की जो हम लोग इन्फॉर्मेशन है इस तरह से कर रहे थे। और दो अन्य अभियुक्त अगर पकड़े जाते हैं उसके बाद हो सकता है कि बहराइच और उस नेपाल का कनेक्शन निकले, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। बरामद जो मोटरसाइकिलें हैं बहराइच के अलावा अन्य अगल बगल के जनपदों में भी ये मोटरसाइकिलें जो कनेक्ट हुई हैं, अभी इसमें से कुछ कनेक्ट हो रही हैं कुछ नहीं कनेक्ट हो रही हैं, कुछ अन्य मोटरसाइकिलें अभी उसके पीछे पता लगाया जा रहा है। कुछ अगल बगल लखनऊ की भी कुछ मोटरसाइकिलें मिली हैं और कुछ मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी कनेक्शन इसका गोंडा और बस्ती से भी इनके कनेक्शन होंगे। तो क्या बहराइच जिले में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने का पूरा बाजार सजा हुआ था, जिस तरीके से बरामदगी हो रही है? बाजार क्या, चोरी की मोटरसाइकिलें जो चोरी हो रही हैं यहीं पे, क्योंकि देहाती इलाका है, लोग उसको रूप उसका परिवर्तित करके उसके पार्ट्स को जो है चेंज करके इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका खुलासा चुराने का फंडा किस तरीके इस्तेमाल करते, किस तरीके से गायब कर देते हैं? मैक्सिमम गाड़ियाँ जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके मास्टर की से खुल जाती हैं और उस तरह से जिनको आसानी से तार काट करके उनको डायरेक्ट जोड़ करके स्टार्ट कर देते थे, इस तरह की गाड़ियाँ चोरी करने का तरीका था इनका। और ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो अभी तक जो कनेक्शन उसके हैं वो बहराइच के हैं। इस सिंडिकेट को लगा अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका सबका एक अच्छा आपराधिक इतिहास है। इस मामले में जितने भी अभियुक्त अभी पकड़े गए बाइक चोरी में पहले भी जा चुके हैं और
उनका एक अपराधी। तो गाड़ियों को चुरा कर क्या बहराइच में लोग डंप कर देते, उसके बाद उसको सप्लाई करते तो क्या? डंप करने का निश्चित रूप से जो अभी एक व्यक्ति पकड़ा गया है अनिल मिश्रा, इसके पास तो ढेर सारी चोरी की मोटरसाइकिलें इसके पास डंप थी और ये उसको रूपांतरित करता था गाड़ियों को। उसका पार्ट किसी अन्य गाड़ी में लगा दिया, कुछ और पार्ट कहीं और लगा दिया, कुछ अगर उसमें कबाड़ा निकल गया, पार्ट काम का नहीं है तो उसको लोहे के भाव भेज देता था, इस तरह का उनका जो डिस्पोजल करते थे। अब ये दुकानदार को जो ये लोग पार्ट बेचते थे, क्या उन दुकानदारों को भी नकल कसी जाएगी? दुकानदारों को पार्ट्स नहीं, जैसे किसी की मोटरसाइकिल ख़राब है उसको लगा कि ये मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, उसका जो इंजन ख़राब है और किसी मोटरसाइकिल में अच्छा इंजन निकल गया तो उसको हटा करके दूसरा इंजन लगा देते हैं, इस तरह का जो चोरी का काम चोरी का। हाँ, तो उनके गाड़ियों को जो है पार्ट्स को जो यूज करते थे और इनको क्लियर कर पाना, अगर कोई वैध गाड़ी है, लीगल गाड़ी है, उसका इंजन नंबर चेचिस नंबर लीगल है, उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर है, तो ये स्पष्ट कर पाना कि ये जो इसका इंजन लगाती चली जा रही है, लगाती चली जा रही है, किसान बढ़िया लग रही है। यहाँ पे है नहीं, यहाँ अभी नहीं आई, नहीं है ना, यहाँ नहीं आई, एक मशीन ले लें तो मजदूर आ जाएगी यहाँ भी। हाँ आ जाएगी यहाँ भी, तो यही खींच में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी, बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।